नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकंज पारिक और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्त। आपका यूपीवीसी विंडो के ऊपर या दरवाजे के ऊपर जो वीडियो है उसके पार्ट टू में स्वागत है। पहली बार हम इस चैनल में ऐसे कर रहे हैं कि एक वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां से अब आपको पार्ट टू जो हमने पार्ट वन में छोड़ा था वहीं से यहां से शुरू कर रहे हैं। अब मैंने वीडियो के शुरू में बता दिया था कि ये जो यूपीवीसी का जो प्रोफाइल होता है इसके अंदर एमएस का इंसर्ट डलता है, जिसकी वजह से कि इसको ताकत मिलती है इस पूरे स्ट्रक्चर को, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो वो जरूर पूछिएगा कि वो किस क्वालिटी का, किस मतलब उसमें जो जीआई की कोटिंग किस लेवल की गई है, और जो मेटल है, मेटल की जो थिकनेस है जो कितनी है, 1 mm की है, 1.5 mm की है, 2 mm की है, 3 mm की है, तो अलग अलग जगह पे एज पर रिक्वायरमेंट उसकी जरूरत रहती है। तो जिस जगह पे वो लगाई जा रही है उसके लिए परफेक्ट है, मतलब ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल पतला सा आधे एमएम का इंसर्ट डला हुआ हो और आपके दिक्कत हो जाए, क्योंकि ये सारी चीजों से आपकी जो खिड़की है उसकी कॉस्ट में फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले कॉस्ट का डिस्कशन कभी भी मत करिएगा, पहले क्वालिटी का डिस्कशन कीजिएगा, फिर उसके बाद कॉस्ट का डिस्कशन करिएगा। क्योंकि अगर आपने कॉस्ट का डिस्कशन पहले कर लिया तो वेंडर कोशिश क्या करेगा, आपको कम से कम रेट दिया, फिर उसी रेट के हिसाब से उसने खिड़की बनाई और आपके यहां लगा दी, और लगा करके उसने पेमेंट लिया और चला गया और बाद में आपको तकलीफ हो, ऐसा मैं नहीं चाहता। और जब भी कोई भी वेंडर आप सिलेक्ट करें खिड़की के लिए, उससे आफ्टर सेल सर्विस जरूर चेक करिएगा कि लगने के बाद कभी कोई ने खुदा ना खास्ता कोई तकलीफ आ जाए, तो ऐसा वेंडर होना चाहिए जो आपको बाद में सर्विस दे, मतलब कोई रिलायबल पार्टी होनी चाहिए। ऐसे नहीं आज आपने लगाया पता चला उससे आप अगली बार फोन करें वो कहते भाई साहब आजकल तो मैं खिड़की नहीं बेच रहा हूं, अब मैं टमाटर बेचने लग गया हूं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ऐसा वेंडर हो जो रिलायबल हो और काफी टाइम से काम कर रहा हो और आगे भी उसके काम करने की उम्मीद हो। फिर आता है ग्लास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है खिड़की का और बहुत ज्यादा मेजर एरिया, और उसी की वजह से सारी सुंदरता, सारी अच्छाई, जो इसके एडवांटेज है वो ग्लास का जो कंपोनेंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ग्लास कौन सा लग रहा है, कितने थिकनेस का लग रहा है, दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नॉर्मल फ्लोट ग्लास लग रहा है या टफन ग्लास लग रहा है या लैमिनेटेड ग्लास लग रहा है, सेफ्टी ग्लास जिसको बोलते हैं, ग्लास के ऊपर लैमिनेशन होता है या डबल लेयर करके उसकी सेफ्टी, मतलब आप उस कांच को फोड़ने का, कभी मौका मिलेगा तो ग्लास के ऊपर एक और वीडियो बनाएंगे जो कि बहुत दिनों से पेंडिंग है, या फिर कोई थर्मल कोटिंग वाला ग्लास यूज किया जा रहा है, मतलब ग्लास की क्वालिटी कौन सी है और ग्लास का थिकनेस क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको अपने वेंडर से पूछना चाहिए और अपने जो जो कोटेशन जब दे तो उसमें लिखा हुआ होना चाहिए कि किस क्वालिटी का ग्लास वो लगाने वाला। अब अगर आप डबल ग्लास लगा रहे हैं, मतलब साउंड इंसुलेशन अगर आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आप साउंड की वजह से ये लगा रहे हैं तो जरूर कोशिश कीजिएगा कि डबल ग्लास वाला जो सेक्शन है वो लगाएं, और उसके अंदर गैस कौन सी भरी जा रही है। नॉर्मली जो ग्लास के बीच में एर्गॉन गैस फिल की जाती है, अभी रिसेंटली कोई क्रिप्टॉन ग्लास गैस फिल होती है, तो ये आप पूछ लीजिएगा उनसे और उसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछ लीजिएगा कि भाई गैस फिल करने से क्या फायदा है, और गैस प्रॉपरली अच्छे से भरी जा रही है, और उनके पास जो भी वेंडर है उनके पास ये जो गैस वगैरह फिल करने की फैसिलिटी है, और अगर बाय चांस फ्यूचर में किसी कारणवश ये गैस निकल जाती है या कोई भी दिक्कत आ जाती है, कांच फूट जाता है, कुछ भी इशू आ जाए, तो क्या वो वेंडर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो ये दोबारा से आपके ग्लास गैस जो है फिल कर दे। ये जो दोनों गैस है इसका कंडेंसेशन नहीं होता, धुंधला, मतलब कांच है ना, धुंधला नहीं पड़ता, जैसा मतलब एनवायरमेंट कैसा भी हो, वेदर कैसा भी हो, वो कंडेंसेशन नहीं होता गैस का, ये इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब ऐसा नहीं हो कि उसमें कंडेंसेशन अंदर का दोनों कांचों के बीच में कोई जैसे भाफ जैसे जम नहीं जाए, इस चीज का आप बात कर दीजिएगा कि भाई जमनी नहीं चाहिए, तो विजिबिलिटी वगैरह प्रॉपर क्लियर रहे और वो जो आपने पैसे खर्च किए हैं उसका आप आनंद ज्यादा से ज्यादा अच्छे से प्रॉपरली ले पाए। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सीलेंट्स है, जो रबड़ का जो गैस्केट लगता है या जो भी इसको खिड़की को लगाने के लिए जो क्या बोलते हैं उसको सीलेंट्स वगैरह है, ये किस क्वालिटी के लग रहे हैं, क्या ईपीडीएम के लग रहे हैं, क्या ईपीडीएम रबड़ जो होता है वो सबसे अच्छा होता है, जो रेलवे के कोच का जो दरवाजा होता है उसको चारों तरफ जो रबड़ लगा रहता है ना, जो सालों साल लगा हुआ रहता है, तो दैट इज ईपीडीएम रबड़। तो वो जो गैस्केट्स है या जो सीलेंट्स है ये किस क्वालिटी के लगा रहे हैं, किस ब्रांड के लगा रहे हैं, और उसकी गारंटी वारंटी कितनी है, ये भी आप उनसे जरूर पूछिएगा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, जितनी से पॉइंट्स बताते जा रहा हूं सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट है, तो ये है HHH, इसको बोलते हैं हार्डवेयर हिंजेस एंड हैंडल्स, मतलब हार्डवेयर बहुत अच्छा होना चाहिए,
हिंजेस जिससे दरवाजा खिड़की खुले और वो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, और हैंडल्स जो हैंडल है उसमें हैंडल, ऐसे नहीं कि आप हैंडल खोलो और हैंडल टूट के हाथ में आ जाए, या हिंजेस ऐसे नहीं हो कि जाम हो जाए, खुलने में दिक्कत आने लग जाए। और हार्डवेयर जो यूज किया जा रहा है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, जो स्क्रू है इसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्रिटिकल है। तो ये इंश्योर कीजिएगा कि स्क्रू है वो स्टेनलेस स्टील का ही लगे, एमएस का नहीं लग जाए, ताकि उसमें जंग नहीं लगे, इसके आप विशेष ध्यान रखिएगा। और एसएस का जो ग्रेड है वो भी थोड़ा हाई ग्रेड का एसएस होना चाहिए, बिल्कुल लो ग्रेड का एसएस स्क्रू नहीं होना चाहिए। थोड़े से पैसे ज्यादा लगेंगे आपके, लेकिन आप इंश्योर कीजिएगा कि स्टेनलेस स्टील के स्क्रू लगे। लॉकिंग सिस्टम भी आप विशेष ध्यान रखिएगा कि अच्छी क्वालिटी के लॉक्स लगे हुए रहें, ताकि एक बार आपके लग जाए, थोड़े पैसे ज्यादा लगेंगे आपके, लेकिन हमेशा के लिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और इसको मेंटेन, जो ये यूपीवीसी विंडो है, इसको आप मेंटेन करिएगा, बहुत ज्यादा मेंटेनेंस इसमें नहीं है, इसकी साफ सफाई अच्छे से रखिए, और किसी कारणवश कोई हैंडल वगैरह लॉक वगैरह अगर आपको ऐसे लग रहा है कि कोई जाम टाइप हो रहा है, तो आप वेंडर को बुला करके उसको मेंटेन कराइएगा, या उनसे पहले ही पूछ लीजिएगा कि भाई इसकी ऑयलिंग वगैरह या कोई सिलिकॉन स्प्रे वगैरह किस तरीके से इसको मेंटेन करना है, कि किसी कारण से मान लो अगर आप बहुत बरसात वाली जगह पे रहते हैं तो कोई जाम वगैरह हो सकता है। वैसे नॉर्मली बहुत कम मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है इसमें, फिर भी आप जो वेंडर है उससे भी पूछ लीजिएगा कि भाई हमको क्या करना है, भाई आपने खिड़की लगा दी तो आप ऐसे आप भूल जाओ लगा करके, ऐसा नहीं है। तो जो भी मिनिमम मेंटेनेंस की जरूरत है वो आप जरूर करिएगा। और इसमें जो जाली लगती है, जो यूपीवीसी विंडो की जो बड़ी सुंदरता ये है कि आप इसमें काफी सारे चैनल्स लगा सकते हैं, तो इसमें एक दरवाजा एक चैनल में आपके कांच लग गया, दूसरे में आपने जाली लगा ली, और जैसे कभी आपको फ्रेश एयर जो है बाहर के वातावरण की हवा अंदर आ जाए, बट उसके साथ मच्छर और इंसेक्ट्स अंदर नहीं आए, उसके लिए लोग जाली लगवाते हैं। तो एक चीज का बड़ा ध्यान रखिएगा कि एक तो वो जो नायलॉन वगैरह की जाली, जो फैब्रिक वाली जो जाली है वो मत लगवाइएगा, स्टेनलेस स्टील की जाली लगवाइए, और जो वेंडर है उससे बातें कहिएगा कि वो खींच के अच्छे से परफेक्ट जाली लगाए। अब वो तो खींच के जाली लगा के चला गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आपके घर वालों ने उस जाली को साफ करने के लिए कपड़े से पूरी ताकत लगा के उसको रगड़ दिया और जाली ढीली कर दी, या किसी कपड़े से उसको मार मार के ऐसे डस्ट झाड़ा अगर, तो वो जाली ढीली पड़ सकती है, तो ये मत करिएगा। तो जाली साफ करने का तरीका सबसे अच्छा ये है कि अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर है तो बहुत ही अच्छी चीज है, अगर नहीं है वैक्यूम क्लीनर तो एक ब्रश रखिए, बड़ा सा इतना सा ब्रश, और उस जाली को ऐसे ब्रश से रगड़ के साफ कर दीजिए, सो दैट कि उसमें से जो धूल मिट्टी उस जाली में आई है, क्योंकि भारतवर्ष एक धूल मिट्टी वाला प्यारा सा देश है, तो उसमें से धूल मिट्टी को झाड़ने के लिए, तो कभी भी आप उसको रगड़ के मत साफ करिएगा, मार मार के साफ मत करिएगा, ब्रश से जेंटली साफ करिएगा, ताकि वो जाली आपकी ढीली नहीं पड़े, इंपॉर्टेंट है ये। तो ये हो गया आपको क्वालिटी कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसकी ये सेगमेंट कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज की, कि भाई यूपीवीसी विंडो क्यों लगाना चाहिए, क्या एडवांटेजेस में। एडवांटेजेस में इसमें मतलब मेजरली वो जो पुराने जो मैंने जो भी बात बोली उसमें कवर हो गया, फिर भी मैं एक बार दोबारा से आपको रिवाइज कर देता हूं। एक तो बहुत ड्यूरेबल है, करीब 25-30 साल तक आराम से चल जाता है ये। एक इसका प्यारा सा प्लास्टिक वाला जो लुक है, ये बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को अच्छा नहीं भी लग सकता है, तो बिल्कुल जो प्लास्टिक वाला जो लुक है ना, स्मूथ सा स्मार्ट सा जो लुक है, ये बहुत अच्छा लगता है। एक ये लेस पोरस है, मतलब पोरोसिटी इसमें नहीं है, कोई चीज एब्जॉर्ब वगैरह नहीं करता है ये, तो ये मेंटेनेंस बहुत कम है इसकी, बहुत ज्यादा कम मेंटेनेंस है, मतलब बहुत मेजर काफी सारा कोई मेंटेनेंस का अगर आपने अच्छी क्वालिटी की चीज लगाई है तो इसमें मेंटेनेंस बहुत कम आती है। एनर्जी एफिशिएंट है ये, एनर्जी एफिशिएंट मतलब ये बाहर की जो गर्मी है या सर्दी है उसको अंदर नहीं आने देता, या अंदर आपने कोई कूलिंग क्रिएट करी है या आपने हीटर वगैरह चला करके कुछ गर्मी क्रिएट करी है, तो ये लॉस जो है ना, हीटिंग कूलिंग का जो लॉस है, जो नॉर्मली जो खिड़की लकड़ी की खिड़कियों में इनमें साइड में से या जो बीच की जो जॉइंट्स होते हैं उसमें से निकल जाती है, वो नहीं निकलती है। जो तेज शार्प हवा जो अंदर आ जाती है बाहर से, वो सब कुछ नहीं आता, जो इसका कंस्ट्रक्शन इस तरीके से है कि बाहर की हवा अंदर नहीं आती और अंदर की बाहर नहीं जाती अगर आपने इसको बंद कर दिया। एक ये इंपैक्ट रेजिस्टेंट है, ये बहुत अच्छी चीज है। इंपैक्ट जैसे एल्युमिनियम की खिड़की या कोई दूसरे जो मेटल की खिड़की अगर आपने लगाया या किसी वजह से इसमें कोई चोट लग गई तो डेंट जो मोच आ जाती है ना, मोच वगैरह डेंट वगैरह नहीं आती, तो इंपैक्ट रेजिस्टेंट है ये। इसको लगाने के बाद आपको कोई पेंट वेंट कराने की जरूरत नहीं है, सिंपल सादा पानी से इसको आप साफ कीजिए, आराम से साफ रहेगी। ध्यान रखिएगा कोई बहुत ज्यादा केमिकल वगैरह कोलिन वोलिन मत यूज कीजिएगा इसको साफ करने के लिए। ये इंसुलेट बहुत अच्छे से करता है, जो आपको मैंने पहले बताया, जैसे रेन इंसुलेशन है, अगर आप पानी अंदर नहीं आता इसमें तो जब भी आप खिड़की लगवाएं तो आपकी खिड़की में पानी डाल के पाइप से आप चेक करा लीजिएगा कि पानी अंदर नहीं आ रहा है। साउंड इंसुलेशन जिसकी वजह से ये चलता है, ये जो सबसे ज्यादा इसकी जो बहुत बड़ी जो एडवांटेज है, साउंड इंसुलेशन बहुत अच्छे से करता है। अगर आपने डबल ग्लास लगा के अंदर जो गैस वगैरह भरवा के अगर आपने खिड़की दरवाजे लगाए हैं, तो विंड इंसुलेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो ऊपर के मालों में आप रहते हैं हाई हाइट हाई राइजेस में रहते हैं, तो जो तेज हवा चलने की जो आवाज आती है वो नहीं आती, इसमें बहुत बड़ा एडवांटेज है।
फायर रिटार्डेंट प्रॉपर्टीज होती है इसकी, क्योंकि आग लग खुदा ना खास्ता नहीं लगे, लग जाए तो अगर, तो ये इसमें जो आग है उसको फैलने में मदद नहीं करता। ये एक ये जो कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खी है इसको अंदर नहीं आने देता, इसको जो कंस्ट्रक्शन है ना उसको, तो सील बहुत अच्छे से हो जाता है, वैसे ही नहीं आते, और फिर भी बाई चांस कोई आ भी गया तो ये इसका जो कंस्ट्रक्शन है ना, जो चैनल वगैरह उसमें फंस के रह जाता है, तो कीड़े मकोड़े चीटियां वीटियां ये सब सारी चीजें अंदर नहीं आती। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि ये टर्माइट रेजिस्टेंट है, कहीं दीमक वगैरह लग जाए तो आपको डरने की जरूरत नहीं, इसमें कोई दीमक उमक लगेगी नहीं, जबकि लकड़ी में दीमक लग सकती है। इस ये जो यूपीवीसी की जो खिड़की होती है जो लगाते हैं, इसकी काम में लेने की सुविधाएं अच्छी, अलग अलग तरीके से इसको यूज, इसकी जो फंक्शनेबिलिटी है ये बहुत अच्छी है। इसकी दिखने में यू छुई मुई सा हल्का फुल्का सा दिखती है, दिखता है, लेकिन अंदर जो इसकी जो मेटल रीइंफोर्समेंट हो जाता है उसकी वजह से इसमें काफी अच्छी ताकत आ जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अंदर जो रीइंफोर्समेंट है वो अच्छी क्वालिटी का लगाओ आपकी। तो उसको लगाने के लिए आपको कोई पेड़ वेड़ काटने की जरूरत नहीं है, तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली बोल सकते हैं इसको। और दूसरी चीज ये कि इसको लगाने से जो सर्दी गर्मी में जो लकड़ी के खिड़की दरवाजे, जैसे मेरे यहाँ पे कभी कभी कोई खिड़की बंद नहीं होती वेदर चेंज होने पे, कभी खुलती नहीं है, वो वाली चैलेंज भी नहीं है। जैसे आप लगाओगे सर्दी में भी वैसे ही ऑपरेट होगी, और गर्मी में भी वैसे ही ऑपरेट होगी, बरसात में भी वैसे ही ऑपरेट होगी। अब थोड़ा सा डिसएडवांटेज की बात करते हैं, लकड़ी जितनी सुंदर नहीं लगती, जैसे कुछ लोगों को लकड़ी ज्यादा अच्छी लगती उतनी सुंदर नहीं लगती, लेकिन इसकी खुद की सुंदरता अलग है। इसमें कलर की जो चॉइस है बहुत लिमिटेड है, क्रीम व्हाइट जो है ये जो सबसे अच्छे लगते हैं, कोई कलर किसी ने नए कलर इन्वेंट भी करते हैं तो वो कलर फेड होने की चैलेंजेस आती है, तो बहुत ज्यादा कलर्स नहीं है इसमें। एक अगर आपने हल्की क्वालिटी लगा ली तो जो इसका जो फ्रेम है ये डिसकलर हो सकता है, फ्लेक्स निकल सकते हैं, क्रैक हो सकती है, तो क्वालिटी का विशेष ध्यान रखिएगा कि जो प्रोफाइल है वो अच्छी क्वालिटी की हो। एक ये खिड़की में चारों तरफ मैंने पहले बताया ना जो विंडो सिल वगैरह, जो ग्रेनाइट की सिल वगैरह लगा कर गया, बिल्कुल परफेक्ट अलाइनमेंट में नहीं है, तो ये जो साइड में गैप दे सकती है, क्योंकि सीधी रहेगी लकड़ी के साथ तो क्या है कि आप उसको टेढ़ी मेढ़ी कर सकते हैं, लेकिन इसको आप टेढ़ी मेढ़ी नहीं कर सकते, तो जो गैप आ जाती है साइड में एजेस में, और उसकी वजह से पानी भी आ सकता है, और भी चैलेंज, जो इसकी जो प्लस पॉइंट है उसको ये माइनस में कन्वर्ट कर सकती है अगर आपकी कंस्ट्रक्शन खिड़की की जो कंस्ट्रक्शन वो खराब है। तो ये विंडो सिल्स जरूर लगाइए अगर आप यूपीवीसी लगा रहे हो। एक इसमें जो महीन मिट्टी होती है ना, बिल्कुल महीन, बिल्कुल टैलकम पाउडर जैसी, वो बहुत जल्दी चिपकती है, उसको आप साफ कर दीजिएगा, कोई खास बात नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने क्वालिटी सब देख ली, सारा सामान अच्छा मंगा लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन जो इंस्टॉलर है जो एग्जीक्यूट कर रहा है काम, वो एजेंसी अच्छी होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, बाद में भी आपको आफ्टर सेल सर्विस भी देनी चाहिए, ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। क्योंकि आपने घी भी बढ़िया ले लिया, मावा भी बढ़िया ले लिया, चीनी की क्वालिटी भी अच्छी ले ली, सारी चीजें अच्छी कर ली, लेकिन हलवाई अच्छा नहीं मिला तो आपकी मिठाई खराब हो सकती है। तो वो जरूर ध्यान रखिएगा कि जो एजेंसी है जो आपको काम एग्जीक्यूट कर रही है वो रिलायबल है, अच्छी एजेंसी है, मतलब काफी टाइम से काम कर रही है और आगे भी काम करेगी। ऐसे नहीं हो बाद में कभी दिक्कत आ जाए और आप फोन करो तो कह दे भाई साहब आजकल तो मैं कोई दूसरा काम करने लग गया हूं। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो एक लाइक दीजिएगा, लाइक देने से एनर्जी बढ़ती है, आपको लगे कि ये वीडियो किसी के काम आ सकता तो उनसे शेयर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार इस चैनल में आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में सोचिएगा अगर आपको ये कॉन्टेंट अच्छा लगता है तो। और बाकी सारी चीजें सब ठीक है, लोहे की खिड़की लगा लो, लकड़ी की लगा लो, एल्यूमिनियम की लगा लो, किसी भी चीज की लगा लो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आपकी ये वाली जो खिड़की है ना, इससे आप डंकी चीजें डालिएगा आपके मकान में ताकि आपका मकान मजबूत रहे। और हमेशा एक्सरसाइज करते रहिए, स्ट्रेचिंग करिए, पैदल चलिए, लिफ्ट का प्रयोग कम से कम कीजिए, सीढ़ियां चढ़िए, एक्सरसाइज कीजिए, साइकिल चलाइए, जो भी आप फिजिकल एक्टिविटीज कर सकते हैं करते रहिए, स्वस्थ रहिए। और दुनिया के सबसे प्यारे दोस्त, जय हिंद।